तो जैसा कि आप जानते हैं PS5 इंडिया में लॉन्च हो चुका है, पर बहुत से लोगों को इस बात का कन्फ्यूजन है कि इस वक्त आपको PS5 परचेस करना चाहिए या नहीं, तो इसका मैं आपको सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। तो प्लीज वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि इसी वक्त आपको PS5 परचेस कर लेना चाहिए। उसका सबसे बड़ा और ऑब्वियस रीज़न होगा कि आपको बेटर अपग्रेडेड कंसोल मिलेगा, फास्टर लोडिंग टाइम आपको मिलेगा बिल्कुल उसके SSD की वजह से, बेटर FPS आपको मिलेगा, बेटर ओवरऑल गेमिंग एक्सपीरियंस आपको मिलेगा बिल्कुल उसके बेटर GPU और CPU के वजह से। स्पेशली जो सबसे बड़ा गेम चेंजर जो मुझे लगता है वो है PS5 का ड्यूअल सेंस कंट्रोलर, स्पेशली उसके अडैप्टिव ट्रिगर फीचर, जो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि बहुत ही अच्छा बनाने वाला है ओवरऑल गेमिंग एक्सपीरियंस को। तो ये सब रीजंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है अगर, तो इसी वक्त आपको PS5 परचेस कर लेना चाहिए। और जो दूसरा रीज़न होगा, अगर आपको नेक्स्ट जनरेशन गेमिंग स्टार्ट से एक्सपीरियंस करना है तो इसी वक्त आपको PS5 खरीदना ही पड़ेगा। अब मैं आपको बताऊंगा क्यों आपको PS5 खरीदने के लिए थोड़ा सा वेट करना चाहिए। उसका सबसे बड़ा रीज़न होगा, जब आप लॉन्च कंसोल परचेस करते हो तो आप काइंड ऑफ एक बीटा टेस्टर होते हो। उसकी वजह ये होती है कि जब PS4 लॉन्च हुआ था उसके साथ काफ़ी सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर इश्यूज़ आते हैं। तो सॉफ्टवेयर इश्यूज़ तो अपडेट के साथ फिक्स्ड हो जाते हैं, पर हार्डवेयर इश्यूज़ नए मॉडल नए अपग्रेडेड मॉडल्स के साथ ही फिक्स्ड होते हैं। तो ये वजह आपको ध्यान में रखनी होगी PS5 खरीदने के पहले। तो बस आपको कुछ मंथ्स वेट करना होगा, अगर लॉन्च मॉडल्स में कुछ हार्डवेयर इश्यूज फाउंड होते हैं तो अपग्रेडेड मॉडल्स में वो फिक्स्ड हो जाएगी, और शायद कुछ दिनों में प्राइस में डिस्काउंट भी देखने मिले। तो ये रीजंस आपके लिए काफ़ी होना चाहिए कुछ दिन वेट करने के लिए। तो अगर आप PS4 ऑलरेडी ऑन करते हो तो जो PS5 के एक्सक्लूसिव है वो PS4 के लिए भी अवेलेबल होंगे, और एटलीस्ट 1 या 2 ईयर्स तक आपको PS4 के लिए न्यू गेम्स देखने मिल जाएंगे। तो ये रीज़न भी काफ़ी बड़ा है आपके लिए PS5 के लिए वेट करने के लिए। तो ये मैंने आपको अपनी पर्सनल थिंकिंग बताई है, पर्सनल सजेशन आपके साथ शेयर किए कि क्यों आपको इसी वक्त PS5 खरीद लेना चाहिए या क्यों आपको वेट करना चाहिए। तो बस आज के लिए इतना ही, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।